हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है वो टू टाइप का रहता है, होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन गिवन है लेकिन उसके जो फेस हैं वो सेम है, गैशियस फेस में है, तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैशियस फेस में है। हेटरोजेनियस का मतलब रहता है उसके फेस सेम नहीं है, अगर प्रोडक्ट जो है वो गैसियस में है तो रिएक्टेंट उसके सॉलिड या लिक्विड में भी हो सकते हैं या सॉलिड या गैस में भी हो सकते हैं, तो उसे हम हेटरोजीनियस कहते हैं। जो हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है उसमें प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को हम वन लिखते हैं। इसीलिए अगर मान लो मेरे पास ये एक इक्वेशन है, अगर मैं इसे यूज़ करके इस पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिखूँ या इसका मैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखूँ, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, बिकॉज ये CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड और CaCO3 है ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन 1 कंसिडर होगी। अगर वो 1 होगी तो फिर हम लिखेंगे CO2, बिकॉज CO2 जो है ये हमारे पास गैस फेस में है, तो इसीलिए या तो आप इसे इस फॉर्म में डिनोट करोगे या फिर बिकॉज ये गैशियस फेस में है तो आप PCO2 मीन्स प्रेशर, क्योंकि गैस की कंसंट्रेशन नहीं होती उसका प्रेशर होता है, तो आप इसे प्रेशर की फॉर्म में डिनोट करोगे। नेक्स्ट राजे, इसके बाद है करैक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ करैक्टरिस्टिक होते हैं, इसके करैक्टरिस्टिक क्या हैं? फर्स्ट है, अगर आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो केमिकल इक्वेशन जो है उसे आप अगर 2 से डिवाइड करते हो तो जो k है उसकी वैल्यू k नहीं रहेगी, उसे हम रूट k मानेंगे। मीन्स सॉल्व करने के बाद जो k है वो क्या बन जाएगा, k बिकम रूट k, वो रूट k में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इसकी सभी की 1/2, तो इट मीन्स k को भी कैसे लिखेंगे, इसे भी हम रूट k मानेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है आप उसे मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ तो k की वैल्यू का होल द स्क्वेयर हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो k दी स्क्वेयर हो जाता है। थर्ड है कि जो रेट कांस्टेंट k है उसके ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में हमारे पास कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट जो है वो आयरन है या फिर मॉलिबिडमन है, तो जो आयरन है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रिएक्शन के ऊपर। सिमिलरली कंसंट्रेशन का भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता के की वैल्यू के ऊपर। अगर मान लो नेक्स्ट कि अगर मान लो कोई भी रिएक्शन है वो 1 स्टेप नहीं हो रही, वो 1 से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, मान लो के जो है कोई भी आपने रिएक्शन ली वो 2 स्टेप में है 3 स्टेप में है, तो हर एक रिएक्शन की खुद की एक के की वैल्यू रहेगी। जितने स्टेप में होगी उन स्टेप के जो के होंगे, जो उनका कांस्टेंट होगा, उन सभी का मल्टीप्लाई एक्चुअल कांस्टेंट के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट, अगर मान लो आपने जो है फाइंड करना है रिएक्शन है, अगर आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो फॉरवर्ड भी रन होगी, वो बैकवर्ड भी रन होगी। अगर मान लो आपको के की वैल्यू गिवन है लेकिन वो फॉरवर्ड केस में गिवन है, तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1/2 कर दोगे तो फिर वो के बैकवर्ड बन जाएगा। अगर आप उसे क्या करोगे, अगर मान लो के बैकवर्ड है उसे आप 1/2 कर दोगे तो फिर वो के फॉरवर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका टेम्परेचर के साथ लिंक क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर वेरी ना करे वो फिक्स ही रहे तो के की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। बट अगर मान लो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू अगर सपोज़ करो टेम्परेचर फिक्स नहीं है वो वेरी हो रहा है, तो फिर हमारे पास एक वॉन्ट ऑफ इक्वेशन लगती है, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H/2.303। तो हमने मेन लिंक जो है इसका ले लिया वॉन्ट ऑफ इक्वेशन का। तो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन बोलती है कि अगर तो आपके पास, अगर तो सपोज़ क्या हो रही है, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसमें ना तो अंदर जा रही है हीट ना तो बाहर आ रही है, तो इट मीन्स कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर उस रिएक्शन के कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करती है। बट अगर मान लो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मीन्स हीट अंदर एड ऑन हो रही है, मीन्स डेल्टा एच क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, के की वैल्यू ज़्यादा आएगी,
बट अगर मान लो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मींस हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, मींस हमारे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो के की वैल्यू डिक्रीज होगी विद टाइम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।